ਇੰਡੀਆ ਫਿਰ ਤੱਕ ਚੈਂਪੀਅਨ ग्राफिक कार्ड हमारे पास आ चुका है। ग्राफिक कार्ड है INNO3D की तरफ से RTX 2060 सुपर 8GB वेरिएंट 256 बिट पे ग्राफिक कार्ड काम करता है DDR6। तो नया मॉड्यूल है, ठीक है, और बहुत ही प्यारा मॉड्यूल है ये हमें INNO3D की तरफ से आया। इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं चलिए आगे इस वीडियो में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। कार्ड कैसा दिखता है और क्या इसकी खूबियां हैं, फिर हम अपने इस डब्बे में इसको लगा के भी देखेंगे। डब्बा नहीं है, ताकतवर पीसी है, लेकिन इसको लगा के देखेंगे और मैं आपको सारे बेंचमार्क टेस्ट और गेमिंग टेस्ट आपको करके दिखाऊंगा। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। एक्चुअली मैंने इसकी सील ओपन अपनी लाइव स्ट्रीम पे कर दी थी, तो इसलिए ये वीडियो मैं बाद में बना रहा हूँ। तो ये इसकी ड्राइवर CD है, इंस्टॉलेशन किट हमारे किसी काम की नहीं है। और 3D मार्क्स स्कोर समथिंग काइंड ऑफ इसके साथ कुछ आया है। 4K रेडी, ऑफ कोर्स 256 बिट है तो 4K रेडी मिलेगा आपको कार्ड। ये आप 4K गेमिंग इस पे एटलीस्ट 60 FPS पे आप बहुत स्मूथ कर सकते हो हायर सेटिंग्स पे, ठीक है। ये आई थिंक एक माउस पैड है, इनकी तरफ से एक गिफ्ट है छोटा सा, जो कि मेरे ख्याल से कोई अदर ब्रांड शायद से नहीं देता अगर मुझे नॉलेज है जिस हिसाब से। तो ये हमारा मेन यूनिट है ग्राफिक कार्ड का, INNO3D 2060 सुपर। बहुत प्यारा, बहुत शानदार, बहुत खूबसूरत ग्राफिक कार्ड है। पंखे घूमते हैं इसके, घूमेंगे ऑफ कोर्स, पैसे खर्चे हैं। और अगर हम इसकी पोर्ट की बात करें तो इसमें 3 DP पोर्ट है, सॉरी उल्टा है, 3 DP पोर्ट है, एक HDMI पोर्ट है। HDMI पोर्ट पे आपकी पुरानी डिस्प्ले चल जाएगी, लेकिन DP पोर्ट जो है बिल्कुल न्यू है DP पोर्ट्स। तो उसके लिए मे बी शायद आपको पुरानी डिस्प्ले के लिए अगर आप यूज़ कर रहे हो तो कनेक्टर्स यूज़ करने पड़े, बट नई जनरेशन है तो काम ऑफ कोर्स अच्छा करेगी, परफॉर्मेंस अच्छा देगी। ग्राफिक कार्ड हमारा लग चुका है और लेट्स सी दी परफॉर्मेंस नाउ। अब लेट्स सी इसके बेंचमार्क स्कोर्स कैसे आते हैं। उम्मीद तो भैया बहुत ज्यादा है इस ग्राफिक कार्ड से कि बेंचमार्क स्कोर्स बहुत अच्छे आने वाले हैं, ठीक है। 4K में मैंने इसको टेस्ट कर लिया है, मैं भी रिवील नहीं करूंगा, आगे आप वीडियो में देख लेना। बहुत बढ़िया बेंचमार्क स्कोर्स मुझे तो जो मिले हैं, मेरे i7 7700K जो मैंने ऑलरेडी ओवरक्लॉक कर रखा है, 4.2 GHz पे इसकी बेस है और मैंने 4.8 पे इसको मैं रन कर रहा हूँ विद लिक्विड कूलिंग, तो ओवरक्लॉक भी है। और मैंने जो 2060 है उसको वैसे अभी ओवरक्लॉक नहीं किया, विदाउट ओवरक्लॉकिंग ही उसके बेंचमार्क्स आपको दिखाऊंगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइव स्ट्रीम पे मिलते हैं। चंगा फिर अगली जारी।